नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरा देवी और हीरा देवी कुमाऊँ किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी दाल, पालक दाल बनाएंगे हम। मैंने 100 ग्राम पालक लिया है, देखिए छोटा छोटा कट करके अच्छा सा वाश करके रख दिया है मैंने। 3 टमाटर लिया है बारीक कट करके, 2 प्याज लिया है, 4 हरा मिर्ची लिए हैं बारीक कट करके, मिर्ची आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। और दाल ली है मैंने 1 पाव किलो जो मैंने बॉईल करके रखा है। देखिए ये मूंग दाल और चने की दाल है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, मैंने भगोना लिया है, आपके घर में जो भी हो बड़ा बर्तन वो ले लीजिए। अब हम भगोने के अंदर ऑयल डाल देंगे, ऑयल आप कौन सा भी ले लीजिए, जो रेगुलर यूज कर रहे हैं वही ले लीजिए। मैंने 5 चम्मच ऑयल लिया है छोटा वाला चम्मच से। ऑयल भी गर्म हो गया है, आधा चम्मच हम जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच राई। जीरा और राई भी चटक रहा है। देखिए अब हम इसके अंदर सूखा मिर्ची डाल देंगे, 3 मिर्ची लिए हैं मैंने, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये डाल देंगे। इस टाइम हमें गैस एकदम लो कर देना है। थोड़ी देर के बाद हरा मिर्ची डाल देंगे, हरा मिर्ची को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। अब हम इस टाइम हींग डाल देंगे थोड़ा सा, ऑप्शन है आप डाल सकते हैं, आपको पसंद है तो, नहीं तो हटा सकते हैं। अब हम प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे प्याज को भी। प्याज भी पक गया है, अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे टमाटर को। टमाटर थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। मसाले को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे मसाले के साथ टमाटर को भी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, पानी डालने से मसाला नहीं जलेगा और अच्छा सा पक भी जाएगा। देखिए देखिए मसाला भी पक गया है, देखिए थोड़ा सा पानी डालने से मसाला जलता भी नहीं है और अच्छा सा पक जाता है। देखिए एकदम ऑयल छोड़ दिया है पूरा सब्जी। अब हम इसके अंदर पालक ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे पालक को भी, 1 मिनट पकाएंगे हम पालक को। गैस की आंच मीडियम कर देना है और 1 मिनट पका लेना है पालक को। देखिए जैसे जैसे पकेंगे अच्छा हो जाएगा। देखिए पालक भी अच्छा सा पक गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल में पानी डाल देंगे, पानी आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा, आपको जैसी पसंद है दाल गाढ़ी या फिर पतली तो आप उसके अनुसार पानी डाल दीजिए। देखिए इस तरह आप रख लीजिए,
अच्छी बनेगी दाल। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और 5-7 मिनट पकाएंगे दाल को। कभी कभी चलाते रहना है, देखिए नीचे चिपकने का डर रहता है, तो चला लीजिएगा इस तरह, एक बार चला लीजिए। 7 मिनट के बाद देखिए दाल बनकर रेडी है। अब हम दाल को बाजू में रख देंगे। अब हम बनाएंगे तड़का। एक कटोरी रख देंगे गैस पर, ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इस टाइम हम गैस बंद कर देंगे, हुक्का मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखिए तड़का बनकर रेडी है। अब हम इस तड़के को दाल में डाल देंगे। देखिए अब हम तड़का दाल में डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे दाल को। लीजिए दोस्तों, पालक दाल बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। आप इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।